दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर पहुंची रीना रॉय। जी हां दोस्तों, ये पहली बार है जब रीना रॉय इस तरह से पब्लिक के सामने आ रही हैं। ये पहली बार होगा जब रीना रॉय किसी रियलिटी शो में एज ए गेस्ट आएंगी। दोस्तों रीना रॉय ने पवनदीप और अर्निता को शादी से पहले कौन सा बड़ा तोहफा दिया और वो इंडियन आइडल पर क्यों आई हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू बॉलीवुड चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर रीना रॉय पहली बार किसी रियलिटी शो में क्यों आई हैं और उन्होंने पवनदीप राजन और अर्निता कांजीलाल को कौन सा तोहफा दे दिया है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 12 लगभग 8 महीनों से आप सबको एंटरटेन करता आ रहा है और इस वक्त इंडियन आइडल नंबर 1 शो बना हुआ है। हर कोई इंडियन आइडल का फैन है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। ऐसे में रीना रॉय का कहना है कि मैं इंडियन आइडल की बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर पवनदीप राजन और अर्निता कांजीलाल की सिंगिंग की। ये एक बड़ी वजह है कि मैं पहली बार किसी रियलिटी शो में आई हूँ। आपको बता दें कि पवनदीप और अर्निता तेरे संग प्यार में गाना गाने वाले हैं, जिसे सुनकर रीना रॉय पवनदीप और अर्निता की काफी तारीफ करती हैं। और रीना रॉय जी ने कहा कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम दोनों एक साथ इतने ज्यादा अच्छे लगते हो कि मैं तो यही कहूंगी कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुम दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। इसके बाद रीना रॉय ने स्टेज पर जाकर पवनदीप और अर्निता को एक बड़ा तोहफा भी दिया और कहा कि जब तुम दोनों शादी करोगे तो मुझे अपनी शादी में जरूर आना, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। आपको बता दें कि रीना रॉय रियलिटी शो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन ये पहली बार है कि रीना रॉय किसी रियलिटी शो में आई है और ये सब हुआ है पवनदीप और अर्निता की वजह से। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रीना रॉय कि ये बात सच होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट डाला है जहां पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।